बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था। उसमें हमने नॉलेज की हिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी की डेफिनेशन, लाइफ की प्रॉपर्टीज़ और ब्रांचेस तक जो है उसको डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का, जिसमें हम कल वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि ब्रांचेस से रिलेटेड था। कल हमने डिस्कस किया था बेटा कि आपकी इस बुक में जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ ओल्ड ब्रांचेस हैं और कुछ मॉडर्न एंड मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं। जो ओल्ड ब्रांचेस हैं उनके पेज नंबर 1 के लास्ट पैराग्राफ में नेम्स और कुछ शॉर्ट मीनिंग्स यूज़ किए गए हैं, क्योंकि उन ब्रांचेस से आप पहले भी फेमिलियर हैं जो कल हमने डिस्कस की थी। जबकि नेक्स्ट पेज पर कुछ मॉडर्न एंड मॉडिफाइड ब्रांचेज़ हैं जिनको डिफाइन एंड एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। आज हम वो मॉडर्न एंड मॉडिफाइड ब्रांचेज़ को यूज़ करेंगे कि वो मॉडर्न ब्रांचेज़ जो हैं, जो मॉडिफाइड हैं, जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं बायोलॉजी में, वो क्या कहती हैं। उसमें बेटा सबसे पहली ब्रांच है मॉलिकुलर बायोलॉजी, विच इज़ आल्सो नोन एज बायोकेमिस्ट्री। ये दो ब्रांचेज़ का कम्बिनेशन है। मॉलिक्यूल हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी में कैसे इन्वॉल्व है। इसका ये मतलब नहीं है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री में कैसे इन्वॉल्व है, इसका ये मीनिंग है कि केमिस्ट्री बायोलॉजी में कैसे इन्वॉल्व है, यानी कि मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट केमिकल थिंग्स, लिविंग थिंग्स में कैसे इन्वॉल्व हैं। इस ब्रांच में बेटा हम ये स्टडी करते हैं कि अगर हम सेल को, सेल की स्ट्रक्चर्स को, या ह्यूमन बॉडी को, या लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर डिस्कस करें कि सेल किन मॉलिक्यूल से बना है, हमारी बॉडी किन मॉलिक्यूल से बनी है, या हमारे मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रोल प्ले करते हैं, तो वो सारा कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसमें स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम फोटोसेंसिस के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बात करते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं, तो ये सारा कुछ केमिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स में इन्वॉल्व है। इसी तरह हम डाइजेशन पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं हमारे स्टमक में HCl रिलीज़ होता है, तो HCl हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, लेकिन वो बायोलॉजी का हिस्सा है। तो लाइफ को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी करना और ये देखना कि हमारी बॉडी की मेकिंग में और हमारी बॉडी की रनिंग में कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद बेटा दूसरी ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब नाम से ही जाहिर है कि इन्वायरमेंट, इसमें हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं जिस इन्वायरमेंट में कोई लिविंग थिंग रहती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है। The surroundings of anything is called its environment. किसी भी चीज़ की जो surroundings होती हैं, किसी भी चीज़ के जो इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, वो उसका environment होती हैं। हमारे इर्द गिर्द एयर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, सनलाइट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, अदर ह्यूमंस हैं, बहुत सी लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सी बायोटिक हैं, बहुत सी एबायोटिक हैं, ये सारा कुछ हमारा environment है। हम environment को बहुत कुछ दे रहे हैं। हम इन्वायरमेंट में वेस्ट रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं, हम इन्वायरमेंट से बहुत कुछ ले रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को स्टडी करना, इन्वायरमेंट को स्टडी करना, इन्वायरमेंट में क्या कुछ ऑर्गेनिक है, क्या कुछ इनऑर्गेनिक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स नेसेसरी हैं, कौन से अननेसेसरी हैं, कौन सी चीज़ें हमें बेनिफिट देती हैं, कौन सी हमारे लिए हार्मफुल हैं, ये सारा कुछ बेटा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। उसके बाद थर्ड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक डिवीज़न भी है, जो कल हमने जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी की डिवीजन्स पढ़ी थी। माइक्रो स्टैंड्स फॉर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड इन लाइफ, के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ क्या है। वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स जिनको हम कॉमन आई से नहीं देख सकते, जिनको हम नेकड आई से नहीं देख सकते, जिनको हम अनएडिड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें किसी मदद की ज़रूरत है, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी, जिसमें वायरसेज हैं, बैक्टीरियाज हैं, या बहुत सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हम डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो दो ब्रांचेज हैं उनको कंबाइन कर दिया है, एक फ्रेश वाटर बायोलॉजी और एक मैरीन वाटर बायोलॉजी, इन दोनों को कंबाइन करके स्टडी किया है। लाइफ तीन मीडियम्स में प्रेजेंट है, देर आर थ्री मीडियम्स वेयर लाइफ इज़ प्रेजेंट। इक्वेटिक पानी में, एरियल हवा में, एंड टेरेस्ट्रियल खुश्की पे, लैंड पे। तो ये तीन ऐसे मीडियम्स हैं जहाँ पर हमें लाइफ नज़र आती है। वाटर में भी लाइफ है, हवा में भी लाइफ है, और लैंड के ऊपर भी लाइफ प्रेजेंट है। अब अगर हम वाटर की लाइफ को देखें, तो
तो वाटर की लाइफ दो तरह की है, एक है फ्रेश वाटर लाइफ और एक है मैरीन वाटर लाइफ। अब मैरीन वाटर क्या है, जो ओशंस का या सीज का वाटर है, जो समुद्रों का पानी है वो मैरीन वाटर है। अब ओशन की ट्रांसलेशन भी समुंदर ही होती है और सी की ट्रांसलेशन भी समुंदर ही होती है, तो डिफरेंस क्या है, ओशन इज़ अ लार्ज बॉडी एंड सी इज़ अ स्मॉल बॉडी। छोटे समुंदर को सी कहा जाता है और बड़े समुंदर को ओशन कहा जाता है, जैसे पैसिफिक ओशन है लेकिन अरेबियन सी है, तो ये साइज़ का फ़र्क है। तो उसके अंदर साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ओशन में और सीज में, इसलिए उसको सेपरेट कर दिया गया और उसको मैरीन बायोलॉजी कहा जाता है। जबकि उसके अलावा जो पानी की बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं या बहुत अदर वाटर के रिजर्वायर्स हैं, उन सब की जो लाइफ है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आती है। ओशंस और सीज की लाइफ जो है वो मैरीन वाटर बायोलॉजी जो है उसमें इंक्लूड की जाती है। उसके बाद बेटा सिक्स्थ ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स आर दोज स्मॉल लिविंग थिंग्स विच अटैक ऑन अदर लिविंग बॉडीज टू गेट फूड, टू गेट शेल्टर, रहने की जगह लेने के लिए, फूड लेने के लिए दूसरी बॉडीज़ पर जो अटैक करते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स को स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी है। जिस चीज़ पर वो अटैक करते हैं वो उनका होस्ट होता है, मेज़बान होता है। जैसे मॉस्किटोज बाइट करते हैं, वायरसेस डिजीज़ काज करते हैं, बैक्टीरियाज अटैक करते हैं, सर के अंदर लाइसिस पड़ जाती हैं, तो ये सारा कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपना फूड और रहने की जगह लेते हैं और बदले में नुकसान भी पहुंचाते हैं, डिजीज़ भी फैलाते हैं, वो पैरासाइट्स हैं। उसके बाद बेटा सेवंथ ब्रांच है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमंस जो हैं उनको स्टडी करना, नाम से ही इंडिकेटेड है, ह्यूमन बायोलॉजी है। फ्रॉम ऑल फील्ड्स, फ्रॉम ऑल वेज, फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट्स। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस की मॉर्फोलॉजी कैसी है, ह्यूमंस की एनाटॉमी कैसी है, ह्यूमंस की हिस्टोलॉजी कैसी है, ह्यूमंस की मॉर्फोलॉजी के साथ साथ ह्यूमंस की जो है वो वर्किंग किस तरह से है, ह्यूमंस का मेटाबॉलिज्म कैसे है, ह्यूमंस की जेनेटिक्स, ह्यूमंस का एवोल्यूशन, ह्यूमंस के पैरासाइट्स कौन कौन से हैं, ह्यूमंस के इंट्रैक्शंस कैसे हैं, ह्यूमंस की इकोलॉजी कैसी है, ह्यूमंस का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ ह्यूमंस पर इम्पोज करना, सिर्फ ह्यूमंस पर अप्लाई करना, सिर्फ ह्यूमंस को हर तरह से स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन बायोलॉजी। उसके बाद बेटा एट्थ ब्रांच है सोशल बायोलॉजी। सोसाइटी, सोशल बिहेवियर, कॉमनल लाइफ, कम्युनिटी। कम्युनिटी कब बनती है, जब डिफरेंट लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता है। कि ये स्टडी करना कि एक लिविंग थिंग का अपने एनवायरनमेंट में कैसा बिहेवियर है, दूसरों के साथ उसका कैसा इंट्रैक्शन है। जैसे ह्यूमंस अगर प्लांट्स लगाते हैं तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव है, और अगर हम प्लांट्स काटते हैं तो हमारा बिहेवियर नेगेटिव है। स्नेक जो है उसका बिहेवियर नेगेटिव है क्योंकि वो बाइट करता है। इसी तरह जो है वो ट्रीज़ का बिहेवियर पॉजिटिव है कि वो हमें शेड देते हैं, हमें फूड देते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो सोसाइटी में किसी का बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी कम्युनिटी में क्या लाइफ है, उसका दूसरों पे क्या इम्पैक्ट है, क्या बेनिफिट या क्या लॉस है, दैट इज़ सोशल बायोलॉजी। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, ये लास्ट ब्रांच है एंड इट इज़ द मोस्ट मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की सबसे मॉडर्न ब्रांच है क्योंकि इसमें लिविंग थिंग्स का जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर दिया जाता है, उसका यूज़ लाया जाता है, उसको जो है वो देखा जाता है कि हम उससे क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। लिविंग थिंग्स को इंडस्ट्रीज़ में, लिविंग थिंग्स को कमर्शियल स्केल पर, लिविंग थिंग्स को बड़े पैमाने पर यूज़ करके उनसे सर्विसेज लेना यानी कि खिदमात लेना और उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना ताकि इंसानियत का फ़ायदा हो सके, ताकि ह्यूमंस की वेलफेयर हो सके, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। वेलफेयर ह्यूमंस के सामने रखी जाती है, वेलफेयर इंसानियत के सामने रखी जाती है ताकि उससे ह्यूमंस को बेनिफिट हो सके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि बहुत सारी मेडिसन्स बनाई गई हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए या डिफरेंट अदर फील्ड्स के ज़रिए, तो वो सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी से जो है वो रिलेटेड है। तो यहाँ तक बेटा बायोलॉजी की जो है वो ब्रांचेज़ हैं, जो कि पहले ओल्ड थी, अब मॉडर्न ब्रांचेज़ हैं, और वो जो मॉडर्न ब्रांचेज़ हैं वो हमने डिस्कस की, जिनकी डेफिनेशंस भी बुक में कोडेड हैं शॉर्ट आंसर्स के लिए, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बोर्ड में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी आप लोग इससे थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं नाइन्थ क्लास में। लेवल्स स्टैंड्स फॉर स्टेप्स। बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग फॉर फॉर्मेशन अरेंजमेंट। लिविंग थिंग्स की मेकिंग के, लिविंग थिंग्स की फॉर्मेशन के, लिविंग थिंग्स के ऑर्गेनाइज होने के, लिविंग थिंग्स के अरेंज होने के जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को जो है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब
ये जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, लिविंग थिंग्स की मेकिंग कैसे होती है, किन किन स्टेप्स में से गुजर के होती है, हम इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यूनिसेलुलर लेवल्स, जिसमें हम एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स की मेकिंग पढ़ते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है। मल्टीसेलुलर लेवल्स, जिसके अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स की मेकिंग पढ़ते हैं जिनके पास मिलियंस बिलियंस और बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें हम भी इंक्लूडेड हैं, उनके लेवल्स पढ़ते हैं। और थर्ड है इकोलॉजिकल लेवल्स, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के लिंक्स स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के आपस में और उनके इन्वायरमेंट के साथ, उनके सराउंडिंग्स के साथ क्या लिंक्स हैं, या वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप्स बनाते हैं जिससे वो बेनिफिट्स जो हैं वो गेट कर सकते हैं। तो ये तीन लेवल्स जो हैं वो हम कैटेगरीज के लिहाज से जो है वो डिस्कस करते हैं। जी बेटा, तो ये तीन कैटेगरीज हैं लेवल्स की जो हमने जो है वो थोड़ा सा उनको डिस्कस किया। अब हम इन लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इन लेवल्स की डिटेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैटर, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ मैटर। हर वो चीज़ जिसके पास स्पेस है और जो मैस ऑक्यूपाई करती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, दैट इज़ मैटर, हम उसे मैटर कहते हैं। इस दुनिया की हर चीज़ मैटर है क्योंकि हर चीज़ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और हर चीज़ मैस भी कंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर का कोई मैस नहीं होता लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है कि हम एक बैलून में एक लिमिट तक एयर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो एवरीथिंग हमारी सराउंडिंग्स में और हमारी बॉडी समेत जो कुछ भी है, दुनिया की हर चीज़ मैटर है। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम की स्ट्रक्चर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, साइडों पे डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल्स में रिवॉल्व करते हैं के एल एम एन में। एटम्स के बेटा कंबाइन होने के या एटम के लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाने के टू वेज हैं, या तो सेम एटम्स कंबाइन होते हैं या फिर डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं। अगर सेम एटम्स कंबाइन होते हैं तो फिर बनते हैं एलिमेंट्स, और अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो फिर बनते हैं मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। अभी हम एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आएगा। एलिमेंट्स जो हैं ये सेम एटम्स के कम्बिनेशन का नाम है। अगर 1000 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएं तो वो ऑक्सीजन ही रहेगी, लेकिन अगर इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाए तो फिर ये ऑक्सीजन या एक एलिमेंट नहीं रहेगा बल्कि ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसे हम वाटर कहते हैं। तो इसलिए डिफरेंट एटम्स जब भी कंबाइन हो तो वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैं, और जब सेम एटम्स कंबाइन हो तो वो फिर एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स बेटा जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिए गए हैं वो 118 हैं। 118 एलिमेंट्स केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिए गए हैं। लिहाजा इनमें से जो नेचर ने एलिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं या नेचर ने एलिमेंट्स बनाए हैं वो 92 हैं, और जो लैब्स में आर्टिफिशली बनाए गए हैं वो 26 हैं। लिहाजा इन 118 एलिमेंट्स में से 92 नेचुरल हैं और 26 लैब्स में बनाए गए हैं। इन लैब्स में बनाए जाने वाले 26 के को हम लिविंग थिंग्स में स्टडी नहीं करते। ये जो नेचर ने 92 बनाए हैं इनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में प्रेजेंट हैं, लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ की मेकिंग करते हैं, लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ की रनिंग करते हैं, लाइफ को चलाते हैं, लाइफ को बनाते हैं। इसलिए इनको नाम दिया गया है बायो एलिमेंट्स का। बायो मीन लाइफ एंड एलिमेंट्स मीन एलिमेंट्स, जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो बायो एलिमेंट्स हैं, जिनकी टोटल तादाद जो है वो 16 होती है। लिहाजा ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ये 16 बायो एलिमेंट्स लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ की मेकिंग में, उनकी रनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब इन 16 बायो एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है, सबके अंदर परसेंटेज सेम नहीं है। हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन बॉडी की परसेंटेज देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में इन 16 बायो एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 10 बायो एलिमेंट्स एक तरफ हैं और 6 एक तरफ है। जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं ये 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स डिज़ाइन करते हैं, और जो बाकी 10 हैं वो सिर्फ 1% रोल प्ले करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। वो जो 6 हैं उनमें ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% है। तो ये टोटल 99% ऑफ द ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन कर देते हैं। ये MCQs के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो बाकी 10 बचते हैं
जिसमें पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैगनीज है, जिंक है और आयोडीन है, ये सिर्फ 1% डिज़ाइन करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर 99% ठीक है तो 1% ना भी ठीक हो तो कोई मसला नहीं, नहीं इधर ऐसा नहीं है। जितनी इम्पोर्टेंस इन 99% बनाने वाले 6 एलिमेंट्स की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस उन 10% बनाने वाले, जो 1% बनाने वाले 10 एलिमेंट्स की है, जिनमें से हर एलिमेंट इम्पोर्टेंट है, हर एलिमेंट इम्पोर्टेंट है, जो कि अपनी कमी की वजह से बहुत सारी डिजीज़ काज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनमें एक एलिमेंट है आयरन, तो दुनिया में आयरन की कमी से कितनी डिजीज़ होती हैं, हम बहुत सारी डिजीज़ स्टडी करते हैं जो आयरन की कमी से होती हैं। इसी तरह आयोडीन, आयोडीन की कमी हो जाए तो ये गोइटर, गले के अंदर थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, वो भी इन्हीं 10 में आता है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जिंक की कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, पोटाशियम की कमी हो जाए, तो वो येलो होना, अपने लीव को शेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए जितनी इम्पोर्टेंस इन 6 बायो एलिमेंट्स की है, जो 99% बॉडी डिज़ाइन करते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस जो है वो उन 10 बायो एलिमेंट्स की है, जो कि 1% ऑफ दी बॉडी जो है वो डिज़ाइन करते हैं, उनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि इन 16 बायो एलिमेंट्स के अलावा जो पीछे बाकी बचते हैं, 118 में से 102 पीछे जो बचते हैं, उन 102 एलिमेंट्स की जो है वो क्यों लिविंग थिंग्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसका आंसर ये है कि इन 16 के अंदर नेचर ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ रख दी हैं, इन 16 के अंदर नेचर ने कुछ ऐसे करेक्टर्स रख दिए हैं कि ये लाइफ की मेकिंग कर सकते हैं, ये लिविंग बॉडीज़ को बना सकते हैं और ये लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इनकी खसूसियात की वजह से, इनके करेक्टर्स की वजह से नेचर ने इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ रख दी हैं कि ये लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइफ को रन कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ बाकियों में नेचर ने नहीं रखी, उनका अपना कोई फॉल्ट नहीं है, नेचर ने प्रॉपर्टीज़ नहीं रखी। लिहाजा लिविंग थिंग्स बहुत सिंपल से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स तक जाती हैं, लेकिन एक सिंपल, एक यूनिसेलुलर, एक स्मॉल लिविंग थिंग से लेकर एक कॉम्प्लेक्स, एक मल्टीसेलुलर, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी तक जाने तक उनकी बॉडी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है, अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से, अपने मैकेनिज्म के लिहाज से, अपने मेटाबॉलिज्म के लिहाज से, अदर लिविंग थिंग्स के साथ इंट्रैक्शंस के लिहाज से, अपनी बॉडी के रिएक्शंस के लिहाज से, अपनी बॉडी की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, अपनी बॉडीज़ की मेकिंग के लिहाज से, अपनी बॉडी की शेप के लिहाज से लिविंग थिंग्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत तरतीब से हैं। नेचर ने बहुत बेहतरीन वे से इनको डिज़ाइन किया है, बहुत गुड फैशन के अंदर इनको ऑर्गेनाइज किया है कि वो अगर एक सिंपल, एक सब अटोमिक लेवल से लेकर, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, वहाँ से लेकर अगर हम लार्ज बॉडीज़ तक, अगर हम कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ तक, अगर हम बड़े बड़े एनिमल्स तक उनको स्टडी करते हैं जिनके साइज़ बहुत बड़े हैं, तो हमें एक वेल फैशन्ड ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है, हमें एक तरतीब नज़र आती है, हमें एक सिमेट्री नज़र आती है, हमें कहीं पर भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई डाउटफुल या कोई भी अभाम जो है वो नज़र नहीं आता। ये नेचर की एक जो है वो मायरेकल है कि नेचर ने इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज़ और इतने बड़े बड़े फैशन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइज कर दिए, जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडीज़ वर्क कर सकती हैं। लिहाजा एक सब अटोमिक लेवल से लेकर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स बनने तक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स बनने तक, और फिर इकोलॉजिकल लेवल्स में हम पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को, इकोसिस्टम को, बायोम को, या एक बायोस्फीयर को स्टडी करते हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही है बायोस्फीयर, जिसमें लाइफ के सारे रीजन्स आ जाते हैं, तो वहाँ तक जितने भी बायोलॉजिकल लेवल्स जाते हैं उनमें हमें एक सिमेट्री, एक तरतीब और एक वेल फैशन्ड ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है, जो हम डिफरेंट लेवल्स में स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। थैंक यू।